टॉपिक है और फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं सारे। एक पॉइंट लिखिएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसको थोड़ा, ये कैमरा डिस्टर्ब हो गया, इसको सही कर देना उधर से। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसको कहते हैं भूस्थाई या भूतुल्य उपग्रह, भूस्थाई या भूतुल्य भूमि के तुल्य उपग्रह, या इसका एक और हिंदी नाम है तुल्यकाली उपग्रह। तुल्यकाली, काली मतलब काली माता नहीं, पृथ्वी माता, और तुल्य मतलब पृथ्वी के बराबर, पृथ्वी के जैसा। तुल्यकाली तो तुल्यकाली उपग्रह पहले समझ लीजिए क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा उपग्रह जिसका आवर्तकाल पृथ्वी के ही बराबर हो, मतलब पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है और उसको घूमने में 24 घंटे लग जाते हैं एक चक्कर लगाने में अपनी अक्ष पर ही, ठीक है, तो ये उसका आवर्तकाल है। तो यदि कोई ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है लेकिन पृथ्वी से हमेशा देखने पर वो स्थिर ही प्रतीत हो, वो चक्कर भी लगा रहा है लेकिन पृथ्वी से किसी स्थान से देखो तो वो ऑलवेज रेस्ट में ही लगता है, हमेशा स्थिर ही लगता है, ऐसे उपग्रह को हम तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं, ठीक है, ऐसे उपग्रह को तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाए लेकिन पृथ्वी से देखने पर हमेशा स्थिर लगे? तो ऐसा तब हो सकता है जब दोनों का सापेक्ष वेग जीरो हो। जैसे एक वस्तु है या एक कार है, वो चल रही है किसी दिशा में भी वेग से, और उसके समांतर एक और कार उसी दिशा में उतने ही वेग से चले, तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष कैसे होंगे? स्थिर होंगे, ठीक है, भले ही दोनों गतिमान है लेकिन दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर होंगे। एक कार में बैठा हुआ व्यक्ति हमेशा दूसरी कार के व्यक्ति को देखेगा तो उसे हमेशा वो कैसा दिखाई देगा? स्थिर दिखाई देगा। तो सेम यही कॉन्सेप्ट भूतुल्यकाली उपग्रह में होता है कि पृथ्वी जिस दिशा में घूम रही है, पश्चिम से वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की दिशा में वो घूमती है, तो जैसे पृथ्वी घूम रही है उसके ऊपर कोई सैटेलाइट है, वो भी पृथ्वी के साथ साथ पश्चिम से पूर्व की ओर ही घूमे, तो जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है वो भी घूमेगा, तो पृथ्वी के किसी बिंदु से उस उपग्रह को देखेंगे तो हमेशा वो स्थिर ही प्रतीत होगा। और ये टेक्नोलॉजी बड़ी कमाल की है कि आप दोनों एक साथ इस तरह से घूमते हैं कि कभी भी एक मिलीमीटर का भी फर्क नहीं आता। इसीलिए जितने भी जो ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट होते हैं, जैसे आप घर पे ऊपर छतरी लगा देते हो, टाटा स्काई वगैरह, वो सब तो वो छतरी को सही ढंग से मिलाते हैं कि नहीं, एक मीटर लेके आते हैं उससे वो डायरेक्शन सेट करते हैं। वो डायरेक्शन सेट करने का मतलब है कि वहाँ से जो सिग्नल आ रहे हैं सैटेलाइट से वो उस डिस्क पर पड़े, तो अगर थोड़ा सा भी चेंज आ जाता, और साल भर में भी अगर थोड़ा सा चेंज आ जाता, वो तो 24 घंटे में घूम रहा है, अगर साल भर में भी चेंज आ जाता एक आध मिलीमीटर का, तो सिग्नल इधर उधर नहीं हो जाते, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही सिग्नल आते हैं, तो इसका मतलब कि वो पृथ्वी के सापेक्ष हमेशा ही स्थिर रहता है। तो ऐसे उपग्रह को जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर हो उसको कहते हैं तुल्यकाली उपग्रह। कितनी ऊंचाई पर होता है, तो इसको कैलकुलेट किया गया है कि ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी से होता है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो ऊंचाई पूछे तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई क्या होती है, तो होती है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा है कि कितनी त्रिज्या होती है, किस त्रिज्या में घूमता है वो। तो ऊंचाई तो हो गई 36,000, पृथ्वी की त्रिज्या और जोड़ दो उसमें, क्योंकि जिस रेडियस में वो घूम रहा होगा वो आर प्लस एच होती है, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है सबको मालूम है, 6400 किलोमीटर होती है।
तो 6400 किलोमीटर में 36000 किलोमीटर जोड़ दो तो आपके पास 4200 कितना आ जाएगा, 42400 किलोमीटर की त्रिज्या आ जाएगी, 42400 किलोमीटर की त्रिज्या में वो घूमेगा। इस त्रिज्या को कहते हैं पार्किंग रेडियस, पार्किंग यानी यहाँ पर जाके हम पार्क कर रहे हैं, और जिस त्रिज्या में घूम रहा है, जिस वृत्त में घूम रहा है, जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, उस ऑर्बिट को कहते हैं क्या, पार्किंग ऑर्बिट, पार्किंग ऑर्बिट। तो पार्किंग ऑर्बिट जिसमें भूतुल्यकालीय उपग्रह घूमता है, पार्किंग त्रिज्या 42400 किलोमीटर की है, पृथ्वी तल से ऊंचाई 36000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह भूतुल्यकालीय उपग्रह घूमता है। अब किधर घूमता है, पृथ्वी के चारों तरफ कैसे भी घूम सकता है क्या, नहीं। इसको स्थिर रहने के लिए पृथ्वी जिस अक्ष पर घूम रही है, ठीक है, उसके लंबवत पृथ्वी को दो भागों में बांटते हुए एक लाइन खींचें तो एक वृत्त बनेगा पृथ्वी पर। इस वृत्त को कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य उसके हिंदी में कितना अच्छा है कि उसके शब्दों से ही पूरा परिभाषा समझ में आ जाती है, अंग्रेजी में समझ में नहीं आती। आप कहोगे इक्वेटर, तो आप सोचोगे इक्वेटर क्या है ना, भूमध्य रेखा, भूमि के मध्य में एक रेखा खींच रहे हैं इस तरह से, यानी जो पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है उसको कहते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर। उस इक्वेटर के आसपास, इस इक्वेटर के अराउंड घूमना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है, इसको मैं बोर्ड पे आपको समझाता हूँ। भूतुल्यकालीय उपग्रह, भूतुल्यकाली या भूतुल्यकारी उपग्रह, और इसको हम तुल्यकाली तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी की त्रिज्या r, h ऊंचाई पर ये सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, ये सैटेलाइट है। तो जितने बेग से चक्कर लगा रहा होगा उस बेग को क्या कहेंगे हम, कक्षीय बेग। कितना होता है फार्मूला, जी एम बाय आर, आर मतलब आर प्लस एच, जी एम अपॉन आर की जगह आर प्लस एच। ये आर जो होती है ये दूरी होती है, यानी जिस रेडियस में वो चक्कर लगा रहा होता है, और आर प्लस एच हो गया, और एच हो गई पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई। इसका आवर्तकाल कितना होता है, पढ़ा था 2π, बोलो जल्दी से, r की पावर 3 अपॉन बोलो जी एम, ठीक बात है, ये होता है t बराबर 2π अंडर रूट r प्लस h टू दी पावर 3 अपॉन जी एम कर दूं, और t को लिख दूं कितना, 24 घंटे, ठीक है, 24 आवर, और 24 आवर को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करके, ठीक है, और इस पूरे को सॉल्व करके h की वैल्यू निकालूं, कर लोगे ना, 24 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, पाई की वैल्यू लिख दो, आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर लिख दो, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, जी की वैल्यू लिख दो, एम की वैल्यू लिख दो, पृथ्वी का 5.9 × 10²⁴ किलोग्राम, सब कुछ कैलकुलेट करके जब एच निकालोगे, निकालना नहीं है, डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है, जब एच निकालोगे तो ये 36000 किलोमीटर आता है। कितना आता है, 36000 किलोमीटर आता है। तो
जो भूतुल्यकालीय उपग्रह होते हैं उनकी ऊंचाई पृथ्वी तल से कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये होते हैं। अगर त्रिज्या देखी जाए तो वो तो R प्लस H होती है, यानी 6400 किलोमीटर त्रिज्या है और ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई है, तो ये कितना आ जाएगा? 42,400 किलोमीटर ये पार्किंग ऑर्बिट आ जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं पार्किंग ऑर्बिट, पार्किंग कक्षा या पार्किंग त्रिज्या। और इस कक्षा को कहते हैं, जिस कक्षा में ये रिवॉल्व कर रहा है, पार्किंग कक्षा। ठीक है, पार्किंग ऑर्बिट। ये हमारे पास एक पृथ्वी है, ऐसी पृथ्वी थी, इस अक्ष के परित घूम रही है ओमेगा कोणीय वेग से। तो ये जो होगा ना, ये इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। और इसको जो सैटेलाइट है उसको इस भूमध्य रेखा के अनुदेश ही ऐसे घूमना चाहिए। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला, ये है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट GSS। बाकी घूमने की संभावना तो ये भी है, ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है। लेकिन जब ऐसे घूम रहा होगा, सोचो, और पृथ्वी ऐसे घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट पृथ्वी घूम रही है, और हम कह रहे हैं कि इसको भी वेस्ट टू ईस्ट ही घूमना चाहिए, तभी तो स्थिर हो पाएगा। जिस आवर्तकाल के साथ पृथ्वी घूम रही है उसी आवर्तकाल के साथ वेस्ट टू ईस्ट सैटेलाइट को भी घूमना चाहिए, तभी जाकर के ये स्थिर प्रतीत हो सकता है। लेकिन सोचो, पृथ्वी ऐसे वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है और ये ऐसा इधर से किसी एंगल पर घूमना शुरू कर दे, तो फिर वो भले ही उसका आवर्तकाल 24 घंटे रहे, लेकिन वो कभी, क्योंकि दिशा बदल गई है, तो इसलिए वो स्थिर प्रतीत नहीं हो सकता। तो इसको स्थिर प्रतीत होने के लिए कहाँ होना चाहिए? भूमध्य रेखा के परित ही घूमना चाहिए, या भूमध्य रेखा के अनुदिश ही घूमना चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो नोट कर लें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? अब देखिए, जैसे ये पृथ्वी है, यहां एक मैंने सैटेलाइट लगाया और ये सैटेलाइट पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर है, तो ये जो है इतने एरिया को कवर कर लेता है। इतने एरिया को ये कवर कर लेगा। एक यहाँ सैटेलाइट लगा दिया, ये इतने एरिया को कवर कर लेगा। एक सैटेलाइट यहाँ लगा दिया, तो ये इतने एरिया को कवर कर लेगा। यहाँ से सिग्नल आएंगे, S1 है तो इतने अर्थ को कवर करेगा। यहाँ से सिग्नल आएंगे S2 से, ये इतने एरिया को कवर करेगा। S3 से सिग्नल आएंगे,
तो इतने एरिया कवर करेगा, तो मतलब पूरी पृथ्वी कवर हो गई। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए, पूरी पृथ्वी पर सिग्नल भेजने के लिए आपको कितने जियो स्टेशनरी सेटेलाइट चाहिए? कम से कम 3 चाहिए। 120 डिग्री पर आप 3 लगा दीजिए तो वो पूरी पृथ्वी को कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये बना लो, लिख लो, 3 सैटेलाइट पूरी पृथ्वी को कवर कर सकते हैं 120 डिग्री पर। अब देखिए अगला टॉपिक है केपलर के नियम। केपलर क्या कहते हैं उनके बारे में सुनते हैं। ग्रहों की गति जो सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में हो रही है, इसको समझाने के लिए केपलर ने कुछ नियम दिए। उनको हम केपलर के नियम से जानते हैं, केपलर के नियम। सबसे पहले पहले नियम में वो कहते हैं कि सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। केपलर के पहले मानते थे कि सब कुछ ब्रह्मांड में स्थिर है, सब कुछ स्थिर है, पृथ्वी भी स्थिर है, चपटी है, आप समुद्र में चलते चले जाओगे तो आगे की तरफ टपक जाओगे, है ना, ऐसा मानते थे। और कई वर्षों तक, कई सैकड़ों वर्षों तक यही मानते रहे। फिर नए नए साइंटिस्ट आए तो उन्होंने बताना शुरू किया कि नहीं ऐसा नहीं है, तो वो लोग मानते नहीं थे, जो लोग पहले से मान रहे थे कि नहीं पृथ्वी चपटी है, सब कुछ स्थिर है। और वो लोग कौन थे? वो बड़े बड़े पंडित थे, क्रिश्चियन में पादरी थे, है ना, तो वो सब अपने जो धर्म के अनुसार ये सब मानते थे कि पूरी पृथ्वी स्थिर है, ये है वो है, और सब कुछ ब्रह्मांड में सब स्थिर है, कुछ गतिमान नहीं है। तो जब वैज्ञानिक लोग ये कहने लगे कि नहीं स्थिर नहीं है, गतिमान है, तो उनको वो सजाएं देने लगे कि ऐसा नहीं है। तो कई साइंटिस्ट जो थे उस समय वो अपनी खोज कर तो लेते थे लेकिन बताते नहीं थे। बाद में जब बेचारे या तो हिम्मत करके बताते थे तो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस बढ़ी, तो फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में नहीं आया कि वो चीज़ अलग है और साइंस अलग है। तो केपलर के बाद केपलर ने भी जो है अपनी खोज को छुपा के रखा, बाद में जो है उन्होंने बताया कि ऐसा होता है। तो केपलर के नियम में पहला नियम उन्होंने ये कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं वो कैसे चक्कर लगा रहे हैं? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। तो पहला तो अपन यही कह सकते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। और सूर्य जो होता है दीर्घ वृत्त के एक फोकस पर होता है, सूर्य एक फोकस पर होता है। जैसे ये एक हम दीर्घवृत्त बना लें तो ये इसका फोकस हो गया, यहाँ सूर्य हो गए, और ये कोई ग्रह है चक्कर लगा रहा है, एक ग्रह हम मान लेते हैं, और ऐसे ही सभी ग्रह जो 9 ग्रह हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, दीर्घवृत्त में एक सबसे सूर्य से उस किसी ग्रह की, इसी को पृथ्वी मान लेते हैं अपना ग्रह,
सूर्य से जब ये पृथ्वी या कोई ग्रह सबसे ज़्यादा दूर होता है, इस दूरी को R1 मान लेते हैं, और ये सबसे कम दूर होता है जब इसको R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ दीर्घवृत्त। तो पहला नियम तो यही हो गया। अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है कि जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली ये जो रेखा है, ये रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। जब समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करेगी तो हम कहेंगे इसका क्षेत्रीय वेग नियत है। जैसे यहां पहले लिख देता हूं, फिर मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं। सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है, इस बात को अपन प्रूफ करते हैं। देखो, ये हमारे पास पृथ्वी है, या एक मिनट इसको मिटा देता हूं, मैं परफेक्ट एलिप्सी बना देता हूं। ये यहां पर हम ले लेते हैं एक, ये हो गया सूर्य S। ठीक है, ये ग्रह है, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ये ग्रह है, कोई प्लानेट है, हम चाहे पृथ्वी मान सकते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली लाइन, मान लो कुछ समय बाद ये यहां पर आ गई है, तो ये लाइन ये होगी। कितना एरिया बनाया उसने, ये एरिया बनाया। और मान लेते हैं कि ये जो यहां से यहां तक आई है वो dt टाइम में आई है, अति सूक्ष्म समय अंतराल में आई है। तो ये दूरी को r मान लिया जाए, ये एंगल थीटा मान लिया जाए। तो जब ये यहां पर होगी और यहां होगी, तब भी मान लो उतना ही टाइम लगा, टाइम इंटरवल समान होना चाहिए, मान लो dt टाइम लगा, तो अब भी वही एरिया कवर होगा, मतलब ये एरिया और ये एरिया समान होगा। तो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करना, ये दूसरा नियम है। इस क्षेत्रफल समान समय अंतराल में जब समान क्षेत्रफल तय हो रहा है, तो मतलब इकाई समय में भी समान क्षेत्रफल तय होगा। अगर ये जो dt टाइम है, इसको एक मान लूँ, इकाई मान लूँ, तो इकाई समय में भी क्या होगा, समान क्षेत्रफल तय होगा। तो इकाई समय में दूरी तय होती है तो उसको क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, विस्थापन होता है तो उसको वेग कहते हैं। तो ऐसे यहाँ पर इकाई समय में अगर क्षेत्रफल कवर हो रहा है तो उसको क्षेत्रीय वेग कहते हैं, क्षेत्रीय वेग कहते हैं। तो सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात इसका जो क्षेत्रीय वेग है, क्षेत्रीय वेग है, एरियल वेलोसिटी कहते हैं इसको, एरियल वेलोसिटी, क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। ठीक है, देखें कैसे रहता है, क्षेत्रीय वेग होगा क्या, क्या dA/dt होगा कि नहीं होगा, बोलो क्षेत्रीय वेग क्या होगा, dA/dt। जैसे सिंपल वेग होता है dx/dt, तो ये dA/dt हो गया। अब आ जाओ dA, ये कैसे निकाला जाए, इसका एरिया निकाल रहा हूं मैं, ये dA एरिया है, ये कोण इतना छोटा है कि इसको सिंपल सा त्रिभुज मान सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या हो गया यार, ऊंचाई हो गई। और ये ऊंचाई ये कैसे ना बनाए, कितनी होगी ये 1/2 dt, तो समय है, बोलो क्या होगा, थीटा के टर्म में आएगा। मान लो छोटा सा कोण है, थीटा तो बड़ा कोण होता है, ये d थीटा कोण है, बोलो
बिल्कुल सही बता रहा है, ये आर डी थीटा आना चाहिए, ये आर डी थीटा, क्योंकि ये सूत्र होता है ना, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, ये वास्तव में चाप ही तो है, ये वास्तव में अगर आप देखोगे तो ये चाप ही तो है, और चाप बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या गुणा थीटा, त्रिज्या हो गई आर, और थीटा छोटा कोण है डी थीटा, तो ये हुआ आर डी थीटा। ठीक है, ऑनलाइन वालों को सुन लेता हूं, बोलो आर डी थीटा समझ में आ गया सभी को? ओके, तो ये आर डी थीटा यहां लिखा जा सकता है, आर डी थीटा बटे में क्या चल रहा था, डी टी, यहां पर हुआ वन अपॉन टू आर इन टू आर, क्या हुआ आर स्क्वायर, डी थीटा अपॉन डी टी क्या हुआ ओमेगा, होता है ओमेगा कोणीय वेग। तो देखिए डीए अपॉन डी टी क्षेत्रीय वेग आया वन अपॉन टू आर स्क्वायर ओमेगा। क्वेश्चन कहां से बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है, अब वो जमाना गया कि अब 2000 क्वेश्चन कर लो, 10000 क्वेश्चन कर लो, पीईटी पीएमटी चलती थी तब आते थे ऐसे क्वेश्चन, ग्रेटर डाई क्वेश्चन एज इट इज आ जाते थे, तो बच्चे लगे रहते थे, एक किताब कर ली, दूसरी कर ली, तीसरी कर ली, चौथी कर ली, सब निपटा दी सर, और वहाँ गए तो उन्हीं में से 40-45 क्वेश्चन 50 आ गए, टिक टिक करके आ गए सिलेक्ट। आज पैटर्न पूरा बदल गया 2019 के बाद, बिल्कुल सरल प्रश्न पत्र आएगा, बिल्कुल सरल, लेकिन हर क्वेश्चन नया होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे उसमें, तो सोचने वाले क्वेश्चन होंगे, पहले सीधे सूत्र लिखा देते थे वन अपॉन टू आर स्क्वायर ओमेगा, इसी से दो चार ओमेगा और आर की वैल्यू बार बार बदल दो, नया क्वेश्चन बन गया कि ओमेगा इतना है, आर इतना है, डी अपॉन डी टी बताओ, तो बच्चे भी आनंदित होते थे कि देखो आर लिख दिया, ओमेगा लिख दिया, डी अपॉन डी टी अपन ने निकाल लिया, है ना। तो ये पैटर्न अब खत्म हो गया, अब कहीं से भी क्वेश्चन बीच बीच में से कैसे भी बना सकते हैं, इसलिए अपने को उसको बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता होती है, हर चीज़ें बनेगा छोटा सा ही, ठीक है ना। जैसे यहीं पर भी क्षेत्र वो इतने से ही पूछ सकता है सेकंड वाले से कि बताओ, ये चित्र बना दिया उसने, ये टाइम लिख दिया, यहाँ टाइम लिख दिया, और बराबर टाइम लिख दिया उसने, अब वो चार ऑप्शन दे देगा, ये क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल बराबर होंगे क्या, बराबर होंगे बराबर नहीं होंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने केवल सूत्र रटाए तो इस छोटे से क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अपने को सारी चीज़ें गहराई से समझनी है। अब इसमें वन अपॉन टू आर स्क्वायर ओमेगा आ गया, ठीक बात है, इसमें एम से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, कुछ बनेगा बताओ, मैं जो है इसमें एम से ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूं, वन अपॉन टू एम आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाय क्या कर दूं एम। तो ऐसा करने से ये जो ग्रह है सूर्य के सापेक्ष चक्कर लगा रहा है, तो इस ग्रह को तो हम बिंदु द्रव्यमान मानेंगे, देख बिंदु चक्कर लगा रहा है, और बिंदु का आर रेडियस में एम आर स्क्वायर क्या होता है, जड़त्वागुण होता है, तो इसको जड़त्वागुण लिखा जा सकता है। तो डीए बटे डीटी बराबर क्या आया, वन अपॉन टू आई ओमेगा अपॉन एम। अच्छा, आई ओमेगा कुछ देखा है क्या, कौन ये संवेग होता है, एल आई ओमेगा, बिल्कुल सही है, और आई ओमेगा को हम एम भी आर भी लिखते हैं, ठीक है। और दीर्घ वृत्ताकार में या वृत्ताकार में चूंकि कोई बल तो लग नहीं रहा है, उस बलागुण तो लग नहीं रहा है, बल तो लग रहा है लेकिन कोई बलागुण नहीं लग रहा, बाहर से कोई हम बलागुण इसमें नहीं लगा रहे, तो जब बलागुण नहीं लगा रहे होते हैं, बल तो लग रहा है, कौन सा, सूर्य इस ग्रह को अपनी ओर खींच रहा है, वो बाहरी बल ही होगा,
लेकिन इसका यहाँ पर बलागुण नहीं है बाहर से कोई, जो भी बलागुण लग रहा है बाहर से अपन कोई बलागुण नहीं लगा रहे हैं, हम नहीं घुमा रहे बाहर से, वो सिस्टम ही घूम रहा है, ठीक है। तो इस कारण से ये कोणीय संवेग क्या होता है, नियत होता है, ये हमें पहले से पता है कि कोणीय संवेग इसका नियत होता है। तो यहां इस dA बटे dt को मैं लिख सकता हूं L अपॉन 2m, बोलो। और चूंकि L नियत है, L कैसा है, नियत है, L नियत है, ये हमें पहले से पता है। तो L नियत है तो मास तो बदलेगा नहीं, तो dA अपॉन dt भी क्या होगा, नियत ही होगा। तो यहां से ये प्रूफ हुआ कि क्षेत्रीय वेग जो होता है वो नियत होता है। और यही केपलर कहते हैं कि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है, और जब समान क्षेत्रफल तय करता है तो उसका क्षेत्रीय वेग कैसा होगा, नियत होगा। क्लियर हो गई बात, ये नोट कर लें। कर लिया, और एक और लास्ट नियम वो कहते हैं तीसरा, दीर्घवृत्त में क्या होता है कि ये जो अधिकतम लंबाई होती है ना यहां से, इसको कहते हैं सेमी मेजर अक्ष, और ऊपर जो कम लंबाई होती है वो सेमी माइनर अक्ष होती है। तो दूसरा ये कहते हैं, तीसरा नियम ये कहते हैं कि आवर्त काल जो होता है किसी ग्रह का, उसका वर्ग समानुपाती होता है सेमी मेजर एक्सिस की पावर 3 के, ठीक है। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 3, और इसको जनरली हम एवरेज रेडियस आर ले लेते हैं, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा रूल है। तो यहाँ पर ये केपलर के नियम खत्म हो गए। अब सवालों पर आते हैं। पृथ्वी के सूर्य के सापेक्ष कोणीय संवेग तथा इसकी मात्रा का अनुपात, यानी उसने कहा L अपॉन m कितना दिया है, 4.4 10 टू दी पावर 16 मीटर स्क्वायर है। तो उसने पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, पृथ्वी कक्ष द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। यस, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, dA बटे dt बराबर क्या था, L अपॉन 2m, यही था। L बाय 2m का मान लिख दो बस, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है,
और आधा कर दो, एल वाई टू एम दिया हुआ है 4.4 10 टू द पावर 16। सोलह है, पंद्रह है, पंद्रह है, पंद्रह कर दो, जो भी आ जाए आधा कर देना। और इसमें क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में ही दिया हुआ था, ये क्या दिया हुआ था, मीटर स्क्वायर में, तो इसका मतलब यहां पर इस डी टी का कोई महत्व नहीं है, यानी डी ए ही पूछा है उसने, तो एल अपॉन टू एम ही निकालना है, सीधा इसका आधा कर देना है। चलो एक और प्रश्न है, एक और प्रश्न आपको बोल रहा हूं, ए बी सी डी चार कण हैं, प्रत्येक की मात्रा स्मॉल एम है, ए बी सी डी चार कण हैं, प्रत्येक की मात्रा स्मॉल एम है, ये चित्रानुसार, ये चित्रानुसार ए भुजा के वर्ग के शीर्षों पर रखे हैं, ये चित्रानुसार ए भुजा के शीर्षों पर रखे हैं, ए भुजा है इसके शीर्षों पर रखे हैं, ये एक निश्चित कॉमन व्रत के अनुदिश, ये एक निश्चित कॉमन व्रत के अनुदिश वी वेग से गति करते हैं, ये व्रत है, इसके अनुदिश गति करते हैं, और वेग का मान क्या हो जिससे कि यह हमेशा इस व्रत के, हमेशा इस वर्ग के शीर्षों पर ही रहें। तो प्रश्न है कि वेग का मान क्या हो जिससे कि हमेशा इस वर्ग के शीर्षों पर ही रहें, ठीक है। तो बड़ा आसान प्रश्न है, अभी एक त्रिभुज का किया था वैसा ही है, आप इसमें किसी एक द्रव्यमान को पकड़ लो, ये केंद्र है तो इस पर टोटल बल निकालो, ये एम इसको इधर खींचेगा एफ बल से, ये एम इसको इधर खींचेगा ऊपर एफ बल से, ये एम भी खींचेगा इसको इधर, वो एफ डैश बल से खींचेगा, तो तीन बल हैं। तो पहले एफ और एफ का परिणाम ही निकालना पड़ेगा, वो रूट टू एफ हो जाएगा, और एफ डैश और है इसी दिशा में, तो परिणामी बल क्या होगा, एफ नेट, बोलो जरा, एक तो एफ और एफ का परिणामी रूट टू एफ प्लस एफ डैश, क्योंकि एफ डैश और रूट टू एफ एक ही दिशा में होंगे, ठीक है। ये एफ डैश है इस दिशा में जो कि विकर्ण का है, और एफ का परिणामी रूट टू एफ इस दिशा में, दोनों जुड़ जाएंगे, एक ही दिशा में होते हैं तो जुड़ जाते हैं। अच्छा, इसमें मान लिखते हैं जरा, एफ नेट को क्या लिखेंगे, अब घूमना है इसको, घूमना है तो देख लो, परिणामी बल सेंटर की तरफ आ रहा है, आ रहा है तो घूमेगा, और परिणामी बल सेंटर की तरफ आ रहा है तो अच्छी बात है, तो घूमने के लिए क्या चाहिए, अभिकेंद्री बल, तो इसमें वी निकालना है तो लगाएंगे फॉर्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो एफ नेट को लिखा मैंने एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, बराबर रूट टू, बोलो एफ की वैल्यू, इन दोनों के बीच में बल, कैपिटल जी एम इंटू एम एम स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस एफ डैश की वैल्यू इन दोनों के बीच में, जी एम स्क्वायर बटे ये वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होगा, ए रूट टू, ए बाय रूट टू नहीं, वर्ग का विकर्ण चाहिए ना ये पूरा, ए रूट टू यहां लिखेंगे अपन आर त्रिज्या में, क्योंकि आर त्रिज्या में वो घूम रहा है, तो ये हो गया एम से, तो एम उड़ाओ पहले, तो वी स्क्वायर बाई, बोलो आर को क्या लिख दूं, अब किस त्रिज्या में घूमेगा ये, इस त्रिज्या में, यानी वर्ग के विकर्ण की आधी त्रिज्या में, तो ए बाई रूट टू, ये ठीक है, बराबर इधर कितना आया रूट टू जी एम अपॉन ए स्क्वायर, इधर कितना आया जी एम अपॉन टू ए स्क्वायर, बोलो ये ठीक है क्या, ये ठीक है। अलग अलग बना लो, क्या दिक्कत है, अभी बता देता हूँ,
पहले इसको कंप्लीट कर लो, बोलो क्या होगा। रूट टू को ऊपर ले जाओ, तो रूट टू वी स्क्वायर अपॉन ए बराबर, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, जी एम अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा रूट टू प्लस वन अपॉन टू, ठीक है, ए से ए के कैंसिल कर देते हैं, तो वी स्क्वायर बराबर जी एम बाय रूट टू, एलसीएम ले लो, टू रूट टू प्लस वन, ये हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे तो जी एम बाय ए था, जी एम बाय रूट टू से हमने यहाँ भाग दे दिया, ए रूट टू, ये हो जाएगा। अब स्क्वायर जो है वो हटा दीजिए और रूट ले लीजिए, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, कर लोगे ना, बस अब कुछ नहीं करना, ये स्क्वायर हटाना है, इस स्क्वायर को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर रूट लगा देता हूँ, यही आंसर है। अब इसमें अगर मान लिए द्रव्यमान अलग अलग हो तब भी ऐसे ही करना है, यहाँ पर m1 m2 के बीच में जो बल आएगा वो क्या आएगा, जी एम अपॉन, ये आ जाएगा जी एम वन एम टू बटे ए स्क्वायर, यहाँ इन दोनों के बीच में आएगा जी एम वन एम टू अपॉन, या अलग अलग द्रव्यमान जो भी हो अपॉन जो भी हो वो। लेकिन अब जब इनका परिणामी निकालोगे तो परिणामी बताओ क्या, रूट नहीं आएगा, जब रूट टू नहीं आएगा तो केंद्र की ओर ही नहीं आना, जब केंद्र की ओर नहीं आना तो घूमेगा नहीं, बस कंडीशन वृत्त में नहीं घूमेगा वो, क्योंकि फिर वो दूसरे केंद्र में घूमेगा, जब किसी दूसरे केंद्र में घूमेगा तो वो इस वृत्त का तो केंद्र नहीं होगा, समझ गए। तो इसलिए तो बेसिक जो शुरुआत का कॉन्सेप्ट है वो समझना है कि घूमने के लिए कंडीशन ये है, जिस वृत्त में आप घुमाना चाहते हो टोटल परिणामी बल उसके केंद्र की ओर होना चाहिए, अगर केंद्र की ओर नहीं है तो फिर वो उस केंद्र की तरफ तो नहीं घूमेगा, किसी और केंद्र की तरफ घूमेगा, वो अलग बात है, ठीक है। चलो अगला एक और क्वेश्चन है, लिखिए, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर ग्रेविटेशन फिनिश होता है। अब आपके पास शीट है, उसमें पीछे डीपीपी और दी है, देखो होंगी, है ना, वो सारी डीपीपी कंप्लीट कर लो, और इस संडे को टेस्ट है ग्रेविटेशन का, गुरुत्वाकर्षण का ही टेस्ट है, और अगले डे से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब शाम को जैसे ऑप्टिक्स चल रही है तो ऑप्टिक्स के बाद वेव ऑप्टिक्स चलेगी, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगें चलेंगी, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, वेव ऑप्टिक्स है, यानी अब हम तरंगों की बात करेंगे, और तरंगों की बात करनी है तो 11th में तरंगों की बात समझ में आनी चाहिए, तब हम 12th की तरंगों की बात कर पाएंगे। तो 11th में तरंगें कहाँ से स्टार्ट होती हैं, पहले SHM चाहिए, फिर वेव चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद फिर 12th की वो चाहिए, तो इसलिए अब मॉर्निंग में स्टार्ट होगा आपका SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन ग्रेविटेशन के बाद, और शाम को ऑप्टिक्स के बाद स्टार्ट होगी तरंगें, बहुत सिस्टमेटिक वे में आपको तैयारी करवा रहा हूँ। जैसे अभी अगर मैं सीधे शाम को वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दूं, या जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें स्टार्ट कर दूं, तो जब तरंग के बेसिक प्रॉपर्टी नहीं पता अपने को, SHM नहीं पता, तो शाम की कहानी समझ में तो आएगी, लेकिन वो फार्मूला बेस समझ में आएगी कि चलो इसका ये फार्मूला होता है, इसको ऐसे कर लो, इसको कर लो, और सवालों को करना आ जाएगा, लेकिन वो दिमाग में चीज़ें नहीं बैठेंगी कि ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर तरंग बन क्यों रही है, SHM कहाँ कैसे हो रहा है, कौन सा कण किधर जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें समझ में बहुत अच्छी तरीके से डेप्थ में तभी आएंगी जब 11th का SHM और वेव वाला चैप्टर आपके आपको 100% क्लियर होगा। तो टाइमिंग मैंने कुछ ऐसे बिठाई है जानबूझ करके कि जब हमारा, अब आज ग्रेविटेशन खत्म हो गया, अगले टर्न से मॉर्निंग में SHM स्टार्ट हो जाएगा, तो जब SHM और वेव मॉर्निंग में ख़त्म हो जाएगा उस समय शाम की क्लास में ऑप्टिक्स ख़त्म हो जाएगी, तो जैसे ही SHM और वेव्स ख़त्म होगा उसके तुरंत बाद शाम को क्या स्टार्ट हो जाएगी, वेव ऑप्टिक्स, यानी कि
वो विद्युत चुंबकीय तरंगे और वेव ऑप्टिक्स, तो वो क्रम बना रहेगा, यानी आप तरंग पढ़ेंगे और तरंग बिल्कुल पहले 11th की तरंगें, SHM तरंगें वगैरह साउंड वगैरह, और शाम को 12th की तरंगें, तो तरंगें एक साथ ख़त्म होती चली जाएंगी। अदरवाइज पहले SHM पढ़ लो और फिर जब 2 महीने बाद आप विद्युत चुंबकीय तरंगें पढ़ाओ तो SHM भूल जाते हो, तो वो सारे जो फिर से अपने को रिकॉल कराने पड़ते हैं कि उसमें देखो SHM में ऐसा पढ़ा था, वेव में ऐसा पढ़ा था, ये तरंगें बनती थी। तो अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यूस में हम पढ़ते हुए चले जाएंगे, तो थोड़ा सा समय बच जाएगा और आसान रहेगा, आसान लगेगा। और बहुत ज़्यादा वेटेज का है, आप विद्युत चुंबकीय तरंगें और वेव ऑप्टिक्स देखोगे तो 3 क्वेश्चन तो इसमें आते हैं, SHM से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 5 क्वेश्चन ये हो गए और 2 क्वेश्चन उधर तरंगों से आ जाते हैं, ठीक है। तो 7 से लगा करके मिनिमम 7 और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, इतना वेटेज है इतने से सिलेबस का। चलो अगला प्रश्न है, मैं आपको बोलता हूं, चंद्रमा का कोई उपग्रह इसके चारों ओर, चंद्रमा का कोई उपग्रह इसके चारों ओर इसकी त्रिज्या कैपिटल आर के, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर के कैपिटल आर के एन गुने त्रिज्या के पथ पर घूमता है, एन गुनी त्रिज्या के पथ पर घूमता है। कॉस्मिक किरणों के कारण इस पर प्रतिरोध एफ बराबर अल्फा वी स्क्वायर लगता है, एफ बराबर अल्फा वी स्क्वायर लगता है। तो कितने समय यह कक्षा में रहेगा, कितने समय यह कक्षा में रहेगा, ये प्रश्न है, कितने समय तक यह कक्षा में रहेगा। थोड़ा सा एक दो बार पढ़ लो इस क्वेश्चन को, क्या पूछ रहा है वो, तो क्लियर होगी ये बात। चंद्रमा का कोई उपग्रह है, मतलब चंद्रमा का उपग्रह है, इसके चारों ओर आर त्रिज्या के एन गुने पथ पर घूम रहा है, एन आर त्रिज्या में घूम रहा है, कॉस्मिक किरणों पर इस पर प्रतिरोधी बल लगता है, तो उसको उसका वेग को कम करते रहते हैं, फिर वो पृथ्वी फिर वो चंद्रमा पर गिर जाएगा। तो कितने समय तक वो घूमता रहेगा, ये प्रश्न है, समय निकालना है। कर सकते हैं, ऑनलाइन वालों बताओ कर पा रहे हो, कॉन्सेप्ट बताओ, क्या कर कैसे करोगे। कक्षीय वेग क्या होता है, अंडर रूट जीएम बाय आर, ये पता होना चाहिए, बस हो जाएगा इसमें। चलो चेक करते, ये रहा चंद्रमा, इसकी त्रिज्या क्वेश्चन में आ रहे, एक कोई उपग्रह है चंद्रमा का उपग्रह है, और चंद्रमा की एनआर त्रिज्या में ये घूम रहा है, चंद्रमा के चारों ओर ऐसे घूम रहा है, कोई रोकने वाला नहीं होगा तो घूमता रहेगा, लेकिन कॉस्मिक किरणें इस पर गिरती हैं, कॉस्मिक डस्ट धूल इस पर गिरती है, और कॉस्मिक धूल जो है वो इसको रोकती है,
तो अब रोकेगी तो उस पर क्या होगा, प्रतिरोधी बल लगाएगी, और प्रतिरोधी बल प्रश्न में दिया है एफ बराबर अल्फा बी स्क्वायर। तो इसका पथ अब कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे रोकेगी तो इसका वेग कम होगा तो इधर आएगा, ऐसे 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 चल के फिर यूं हो जाएगा। बोलो समझ में आया पथ, ऐसे जाएगा ये तो मिट गया, बोलो ऐसे जाएगा ये, इस तरह से ये पथ हुआ इसका, यानी इसकी त्रिज्या कम होती जा रही है और कम होते होते और वो फिर ऐसे चंद्रमा की सतह पर आ जाएगा। तो सबसे पहले कितनी त्रिज्या में घूमेगा एनआर में, तो ऐसे सोचें टी बराबर जीरो पर ये घूम रहा है, आर वन बराबर कितनी त्रिज्या एनआर में, मान लो टी समय लगा इसको सतह पर आने पर, तो टी समय पर जो निकालना है वो कितनी त्रिज्या में घूमेगा आर में, कैपिटल आर में, पृथ्वी की सतह पर आर त्रिज्या में घूमेगा, ऐसे ही घूमेगा। तो यानी एनआर से आर त्रिज्या होनी है, एनआर जब त्रिज्या है तब उसका कक्षीय वेग क्या है, वी वन अंडर रूट जी एम बाय एनआर, और जब कक्षा पे आ गया वो सतह पर आ गया तो कक्षीय, तो उसकी त्रिज्या कितनी है आर, तो कक्षीय वेग कितना है जी एम बाय आर, एम यहां पर चंद्रमा की द्रव्यमान है। ऐसा कर कौन रहा है, प्रतिरोधी बल, तो प्रतिरोधी बल को पकड़ लो, यही जिम्मेवार है उसको ऐसा करवाने के लिए। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन भी इसी से निकलेगा, एफ को क्या लिख सकते हैं एम ए, और इसमें बेग भी दिया है तो ए को बेग के पदों में लिख सकते हैं, एम ए, ए को लिख लो डी वी अपॉन डी टी, तो एम डी वी बटे डी टी बराबर अल्फा वी स्क्वायर। तो अब डी टी को इधर ले जाओ और वी स्क्वायर को नीचे ले आओ, एम डी वी अपॉन वी स्क्वायर बराबर अल्फा डी टी, और दोनों तरफ समाकलन कर लो, लिमिट लगाओ समय की जीरो से टी, और जीरो पर बेग कितना था वी वन और इधर बेग है वी टू, समाकलन कर लिया जाए वन अपॉन वी स्क्वायर का, एम तो ऐसे ही रहेगा, बोलो वन अपॉन वी स्क्वायर का समाकलन वी के सापेक्ष माइनस वन अपॉन वी, यानी वन अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स के सापेक्ष माइनस वन अपॉन एक्स होता है, तो माइनस वन अपॉन वी, लिमिट वी वन से वी टू बराबर अल्फा टी, ये लग जाएगी लिमिट जीरो टू टी। सॉल्व किया तो एम ब्रैकेट पहले वी की जगह वी टू लिख दो, माइनस वन अपॉन वी टू, फिर माइनस करके वी वन लिखो, एक माइनस पहले से ही है तो प्लस वन अपॉन वी वन बराबर अल्फा टी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, टी निकालना है तो आप वी वन वी टू की जो ये वैल्यू है वो लिख दो, क्या लिखेंगे बताओ, अपने को निकालना है अल्फा, यहीं कर देता हूं, अपने को निकालना है टी, बोलो कितना आएगा, देखो एम ब्रैकेट माइनस वन अपॉन वी टू, वी टू कितना था अंडर रूट कितना जी एम बाय आर, प्लस वन अपॉन बी वन कितना है अंडर रूट, ये तो एन आर था, वी टू नहीं, वी टू तो आर ही था, और बी वन कितना था अंडर रूट जी एम बाय एन आर बराबर अल्फा टी। बस आ गया आंसर, अब क्या है एम ब्रैकेट ये ऊपर ले जाओ, ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट में आर अपॉन जी एम प्लस अंडर रूट में एन आर अपॉन जी एम, पलटा जा सकता है इसको, बराबर अल्फा टी, क्या कॉमन आ रहा है आर अपॉन जी एम रूट का बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं एम
और अंडर रूट में आर अपॉन जी एम बाहर निकाल लें तो अंदर की तरफ क्या बचेगा, माइनस वन प्लस रूट एन बराबर अल्फा टी, बस हो गया उत्तर। टी बराबर क्या आया बोलो, इस अल्फा से नीचे भाग दे दो, बस यही उत्तर है। ठीक है, तो एम अपॉन अल्फा टी बराबर क्या आया, एम अपॉन अल्फा अंडर रूट आर अपॉन जी एम ब्रैकेट में रूट एन पहले लिख लो माइनस वन, यही आंसर है। ठीक है, तो यहां पर समाप्ति हुई गुरुत्वाकर्षण की।